डीएमजी कृष्णैया हत्याकांड के आरोपी आनंद मोहन को 15 साल की सजा काटने के बाद रिहा कर दिया गया है। इसको लेकर बिहार की सियासत काफी गर्मा गई है। बीजेपी ने राज्य की नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोलना शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ आनंद मोहन के परिवार और समर्थकों के बीच खुशी का माहौल है। जानिए इस मौके पर उनकी पत्नी लवली आनंद का क्या कहना है। सबसे पहले तो ऊपर वाले ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि भगवान जानते हैं, ईश्वर जानते हैं कि कितना निर्दोष हैं, और आज मान लीजिए तो उनके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। दूसरे तरफ हम बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति भी आभार व्यक्त करेंगे। हम अपने बच्चों के को भी धन्यवाद देंगे जिसने अपने छोटे छोटे उम्र में, कच्चे उम्र में होली दिवाली दशहरा नहीं मना करके संघर्ष में साथ दिया, पैदल चल के स्कूल हो कॉलेज हो अपने पिता के लिए न्याय मांगे। दूसरे तरफ हमारे समर्थक जो हैं, शुभचिंतक जो हैं, ठंडा गर्मी धूप धूल की परवाह किए बिना हर समय हमारे सुख दुख में शामिल हुए, हमारे हर कार्यक्रम में शामिल हुए, तो ये सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं और ये बहुत ही हमारे लिए बहुत खुशी का पल है, तो उसको बयान नहीं कर सकते हैं शब्दों में। आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद ने दिवंगत डीएम की पत्नी उमा कृष्णैया द्वारा इस रिहाई का विरोध किए जाने पर भी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही आनंद मोहन को अपराधी कहे जाने का भी विरोध किया है। जब जी कृष्णैया जी की हत्या हुई तो दो परिवार ने सबसे ज्यादा किया, जैसे मेरा भी यहाँ पर आनंद मोहन जी के लिए भी सब लोग जानते हैं कि निर्दोष हैं, स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं, हमेशा गलत का विरोध किए हैं, तो वो जेल चले गए, कानून का हम लोगों ने पालन किया, कोर्ट का आदेश का पालन। और दूसरे तरफ जो है उमा कृष्णैया जी, जिनका सुहाग उजड़ गया, एक ईमानदार अफसर थे जी कृष्णैया जी, तो हमें भी काफ़ी दर्द है कि अगर ये घटना हम लोग के सामने में होती, आनंद मोहन जी अगर सामने में होते तो ऐसी घटना नहीं होने देते, अपनी जान पर भी खेल के हम लोग जी कृष्णैया की रक्षा करने की कोशिश करते, निश्चित हम लोग के सामने में नहीं हुई, लेकिन जो भी हुआ कोर्ट का आदेश का पालन करके 15 साल का वक्त कम नहीं होता है जेल में बिताए, हम लोग एक एक दिन को इंतजार किए, हम 15 साल जग के, हमारे बच्चों ने, हमारे समर्थक ने 15 साल जगा है और एक एक दिन को हम लोग ने ये किए हैं, होली दिवाली दशहरा कुछ मना नहीं, इस इंतजार में जैसे भगवान राम 14 साल के बाद वनवास से लौटेंगे घर तब खुशहाली मनेगी, तो इस तरह से अब आ रहे हैं, तो ये हमारे समर्थकों के लिए, बच्चों के लिए, सभी लोगों के लिए खुशी की बात है। बिहार में बिहार के सरकार की इस फैसले की काफी आलोचना हो रही है कि दबाव में उन्हें निकाला गया, आपराधिक प्रवृत्ति के थे, क्या कहना चाहिएगा आप इस पर, क्योंकि बीजेपी काफी ज्यादा विरोध कर रही है इनके रिहाई का। अब देखिए आप लोग अपराधी प्रवृत्ति के कह रहे हैं, अपराधी प्रवृत्ति का ये तो बात हमारे सामने कम से कम मत कहिए, ये गलत बात जो है वो अपराधी कभी थे ही नहीं, जो जेपी आंदोलन के उपज रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी परिवार से उपजे हैं, अन्याय खिलाफ आवाज उठाने वाले को अपराधी कहे गए, ये अपराधी जो है ये बहुत गलत भाषा है। इस मामले में बिहार सरकार के खिलाफ PIL दाखिल करने वाली वकील अलका वर्मा ने क्या कहा है, सुनिए। अभी जो रिसेंट अमेंडमेंट आया है बिहार प्रिजन मैनुअल 2012 रूल 481A, उसमें जो रिसेंट संशोधन है, दिस इज नॉट इन गुड फेथ एंड इट इज़ नॉट गुड बिकॉज इट इज़ ये आर्बिट्रेरी भी है, इसका प्रयोजन क्या है ये समझ में नहीं आता। अगर प्रयोजन समझें तो यही होगा कि जो आपने पब्लिक सर्वेंट्स ऑफ ड्यूटी को जो आपने सुरक्षा दिया था उसको हटा लिया है और आपने क्रिमिनल्स को बेनिफिट किया है, यू नो, तो ऐसा कोई भी अमेंडमेंट लाया जाए तो वो जनहित में होना चाहिए, ये जनहित में नहीं है। और फिर अमेंडमेंट लाने से जो लोग अफेक्टेड पीपल हैं आप उनसे तो पूछते हैं ना इससे किसको अफेक्ट हो रहा है, आपने कभी पब्लिक सर्वेंट्स को कंसल्ट भी नहीं किया, इसमें तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेशनल जस्टिस भी अट्रैक्ट होता है, यू नो।